हेलो जी, वेलकम टू माय स्टाइल माय फिटनेस। आई एम रवि सबरा और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही बेसिक सिंपल एक्सरसाइजेस की, जो कि बिगनर्स के लिए होगी। जिन लोगों ने आज तक ज़िंदगी में कभी वर्कआउट नहीं किया, वो अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो किस तरह से शुरुआत करें, कौन कौन एक्सरसाइज करें ताकि उनकी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ बननी शुरू हो। और हर एक के पास कोई अच्छा कोच नहीं होता है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर टेक्निक से स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं कि आप 10-15 रेप्स मारें, अगर आप 2 रेप्स ही मारते हैं पर अगर आपकी टेक्निक बिल्कुल सही है, स्टांस बिल्कुल सही है, तो आप धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ अच्छे से डेवलप कर पाएंगे और आपकी इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ स्टार्ट हमेशा वार्म अप से करनी चाहिए। वार्म अप का रीज़न क्या है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी, अगर आपने देखा होगा, जब कोई लोहा भी होता है उसको गर्म करो तो आसानी से वो मोल्ड हो जाता है, बट अगर वो ठंडे को ही अगर हम मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो या तो क्रैक होगा या टूटेगा या फिर वो आड़ा तिरछा सा टेढ़ा होता है, वो सही से बन नहीं पाता है। वैसे ही हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स अगर वार्म्ड होंगी तो हम आसानी से उनको स्ट्रेच कर पाएंगे, उसको जब एक्सरसाइज करेंगे तो वो ज़्यादा ब्रेक नहीं होंगी, तो आपकी बॉडी में पेन्स कम होंगी। इसलिए हमेशा ज़रूरी है कि आप वार्म अप से ही अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। उसके बाद स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग इसलिए ज़रूरी है कि हल्की हल्की सी आपकी मसल्स को मोबिलिटी मिले। उसके बाद हम अगर एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी वेट्स उठाते हैं या बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा ब्रेक नहीं होंगी कि आपको कई दिन तक उसमें दर्द रहे। और स्ट्रेचिंग दो तरह की होती है, एक बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग और एक डायनेमिक स्ट्रेचिंग। बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग उसे कहते हैं कि जो हम मोमेंटम के साथ स्ट्रेचिंग करते हैं, अगर हम हैंड्स को एक्सट्रीम तक स्ट्रेच करेंगे तो उसे हम डायनेमिक स्ट्रेचिंग कहेंगे, अगर हम उसको विद मोमेंटम स्ट्रेच करेंगे तो उसे बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग कहेंगे। बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तब हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, बिकॉज उस टाइम पे हमको ज़्यादा एक्सट्रीम में अपनी मसल को स्ट्रेच नहीं करना होता है ताकि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। और डायनेमिक स्ट्रेचिंग हम करते हैं अपने वर्कआउट के एंड में ताकि उस टाइम पे जो हमारी मसल्स के अंदर टेंशन आ रखी है उसको हम रिलीज़ करें प्रॉपर, ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर तरीके से उनको स्ट्रेच करके, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वर्कआउट करें तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़े, हमारी मोबिलिटी ज़्यादा बढ़े। स्ट्रेचिंग करते हुए ध्यान देना है कि हम स्ट्रेचिंग करते हुए अपनी बॉडी टिप टू टो सारे जॉइंट्स को अच्छे से हिला लें, अच्छे से मूव कर लें, उसी को हम स्ट्रेचिंग बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइजेज से। सबसे पहले हम वार्मअप करेंगे, फिर स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर बेसिक एक्सरसाइजेस करेंगे। वार्मअप के लिए आप वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, अगर जगह कम हो तो आप स्किपिंग कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, और आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से वार्मअप हो गई है ये जानने का सबसे अच्छा साइन है कि आपको हल्की हल्की सी पर्स्पिरेशन, हल्की हल्की स्वेट ड्रॉपलेट जब आपके माथे में आने शुरू हो जाएं, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी वार्मअप हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद वार्मअप। आपके लिए 5-10 मिनट्स का वार्मअप इज मोर देन सफिशिएंट। अपने फ़ोन में टाइमर सेट कर लीजिए। हम 1-1.5 मिनट के 3-4 वार्म एक्सरसाइजेस करेंगे, उसके बाद स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, मूविंग टिप टू टो विद मोमेंटम। डोंट ओवर स्ट्रेच एनी मसल।
ओके गाइस, तो ये हमारी अब वार्म अप स्ट्रेचिंग खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस, बेसिक एक्सरसाइजेस जो कि बिल्कुल बिगिनर के लिए होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पुशअप से। जो अगर आपके यहाँ स्ट्रेंथ कम है तो आप नी पुशअप से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लेग्स को, नीज़ को शोल्डर वाइड ओपन करें और अपने हैंड्स डायरेक्टली अपने चेस्ट के सामने रखेंगे। आप हैंड्स को ज़्यादा आगे नहीं रखना, पीछे नहीं रखना, डायरेक्टली अपने चेस्ट के पास और क्लोज में और क्लोज ग्रिप में, लाइक दिस। स्टार्ट विद नी पुशअप्स। और जितना हो सके कोशिश करना है अपने हैंड्स को, अपनी एल्बोज को अंदर की तरफ बेंड रखना है, जितना हो सके अपने एल्बोज को अंदर की तरफ लेके जाना है, बाहर की तरफ नहीं। ये चीज़ नहीं करनी, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, लाइक दिस। और गाइस, ये तो हो गई अब आर्म्स की एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम करेंगे लेग्स की, उसमें हम स्क्वाट से शुरू करेंगे। फिर जो भी मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसमें पोजीशन और आपका स्टैंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान में रखना, बिकॉज उन्हीं की वजह से आपकी स्ट्रेंथ अच्छे से बिल्डअप होती है और आपके इंजरी की चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। स्क्वाट्स के अंदर ज़रूरी है कि आप जितने आपके शोल्डर्स हैं उतने ही पैरों को खोलें और डायरेक्टली नीचे जाएं, टेढ़े मेढ़े नहीं। और अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है करने में तो दूसरे भी स्क्वाट्स होते हैं, जिसको हाफ स्क्वाट बोलते हैं या सुमो स्क्वाट्स या प्लाई स्क्वाट्स। उसमें आपको अपने लेग्स को जरा स्लाइटली वाइडर ओपन करना होता है और हाफ स्क्वाट करना होता है, जिससे कि आपकी लेग्स में स्ट्रेंथ बननी शुरू हो। तो दोस्तों ये तो हुई बात हमारे आर्म्स और लेग्स की, लेकिन हमारी असली जो पावर निकलती है बॉडी से वो हमारे कोर से निकलती है। जैसे अगर आपको पता होगा हंटर होता है, हंटर की पावर उसके हैंडल से निकलती है और उसके पॉइंट तक जाती है, वैसे ही हमारी बॉडी की पावर सारी हमारे कोर से निकलती है और वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है। तो इसलिए हमारा कोर स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम उस पर वर्क करेंगे। और इसमें आपको खाली अपनी गर्दन नहीं उठानी, पूरा टॉर्सो उठाना है, यहाँ तक आपका शरीर उठना चाहिए ऊपर हल्का सा। तो फ्रेंड्स, हमारे कोर में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक हमारे एब्स, दूसरी हमारी लोअर बैक, जिससे हमारी पूरी बॉडी की पावर निकलती है। हमने हाफ क्रंचेस करे अपने एब्स के लिए, अब हम करेंगे बैक एक्सटेंशन हमारी लोअर बैक के लिए। आप स्टार्ट करने के लिए अपनी एल्बो से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर जैसे जैसे आप एडवांस होते जाएँ तो अपने हैंड्स पर मूव कर सकते हैं। कोशिश कर रही है अपने फ़ोन के अंदर 30 सेकेंड्स का एक स्टॉप वॉच लगा के कम से कम 30 सेकेंड्स का होल्ड ज़रूर करें। रेगुलर ब्रीदिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये सब एक्सरसाइज करने के बाद आपका कूल डाउन करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि वार्म अप करना एंड में, ताकि आप अपनी बॉडी को और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकें और ज़्यादा मोबिलिटी दे सकें। अब स्टार्ट करते हैं डायनेमिक स्ट्रेचिंग, स्लो स्ट्रेचिंग टू गिव मोर मोबिलिटी टू योर बॉडी।
और गाइस, तो ये थी आज की मेरी बेसिक एक्सरसाइजेस फॉर बिगिनर्स। जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें, जैसे कि आपका स्टांस प्रॉपर होना चाहिए और आपकी टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए। नंबर ऑफ रेप्स कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए। और अपनी ब्रेथ को कभी भी होल्ड मत करें, कभी भी सांस मत रोकें। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रेगुलर ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके लंग्स भी ओपन हो और प्रॉपर ऑक्सीजन जाए आपकी बॉडी के अंदर। इन द एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए डालता रहूँगा। अगर आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं सारे कमेंट्स का जवाब ज़रूर देता हूँ। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।